हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है OBS स्टूडियो 30.2 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना OBS स्टूडियो, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, इस तरह से यहाँ पे आपके केस में भी पहला ऑप्शन ही दिख जाएगा OBS स्टूडियो। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही OBS स्टूडियो का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा OBS स्टूडियो 30.2। हो सकता है आप जिस डेट में इसको डाउनलोड करने की कोशिश करें उस डेट में यहाँ से ऊपर वाला वर्जन आ गया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेम तरीके से आप उस वर्जन को भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा। यदि विंडो के लिए चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, मैक के लिए यहाँ से, लिनक्स के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। विंडो के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है यहाँ पे सेकंड टैब दिखेगा डाउनलोड का, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको तीन टैब दिखेगा। यहाँ पे भी आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक के लिए कर सकते हैं, लिनक्स के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वर्जन लिखा हुआ दिख जाएगा, ये कब रिलीज हुआ था वो डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे आपको डाउनलोड इंस्टॉलर दिख जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से EXE आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको बिट्रॉन से डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, डाउनलोड जिप करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, स्ट्रीम से करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट आप EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट EXE डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड इंस्टॉलर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपके केस में भी ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके केस में ऑटोमेटिक डाउनलोड होना नहीं शुरू होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई अगेन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यानी तो आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी EXE सेव करना चाहते हो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, EXE इस तरह से आपके केस में भी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है, वहाँ पे आपके केस में भी इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी लिखा हुआ दिख जाएगा अनब्लॉक। यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक लिखा हुआ दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक लिखा हुआ नहीं दिखता है तो उस केस में आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन पाथ दिख जाएगा। यदि आप चेंज करना चाहते हैं पाथ, इंस्टॉलेशन पाथ जो है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे कम्प्लीटेड सेटअप लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आप इसको टिक मार रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगा। अब यदि आप इस EXE को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो इसको आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो इंस्टॉल किया प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या
क्या करना है, या तो आपके केस में डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट आइकन होगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको OBS टाइप कर देना है। OBS टाइप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ऑटोमेटिक विंडो ओपन हो जाएगा, यानी OBS ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी तीन ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग दोनों के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी तो केवल आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप केवल वर्चुअल के लिए यूज करते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं वो सेटिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, FCP सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करके इस पेज को आप सेटअप कर सकते हैं, यानी तो ये पेज आप बाद में भी ये सेटिंग आप कर सकते हैं। तो या तो आप अभी कर लीजिए या बाद में करना है तो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा इस अपडेट में क्या क्या नया चीज है। यहाँ पे आपके केस में जो भी नया चीज यहाँ पे अपडेट हुआ इस वाले वर्जन के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में ये विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ पे इसका वर्जन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेल्प दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अबाउट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा और आपके केस में जो भी लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल किए होंगे वो वर्जन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।